हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध। बहुत पुरानी बात है, मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गाँव था। उस गाँव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण था डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता था और उस उंगलियों की माला बनाकर पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गाँव के सभी लोग परेशान थे कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी अवगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गाँव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख उंगलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गए, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। उंगलीमाल उनके पीछे दौड़ा पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा छोड़ोगे? उंगलीमाल ने कहा, सन्यासी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं एक ऐसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो, तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। उंगलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। उंगलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। उंगलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। उंगलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतने से चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर उंगलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही उंगलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, उंगलीमाल बुराई का एक प्रतीक था और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई ना कोई बुराई है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें खत्म करें।